राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम नीम का पेड़। बात बहुत पुरानी है बच्चों। एक राजा था, उस राजा की एक राजकुमारी थी। बेचारी राजकुमारी घर में अकेली थी, उसके कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए वो उदास रहती थी। एक दिन राजा ने उससे कहा, बेटी तुम अकेली रहती हो, सदा उदास रहती हो, तुम कोई अच्छा सा पशु पक्षी पाल लो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। बच्चों, राजकुमारी को ये बात पसंद आ गई। अब सवाल आया कि कौन सा पक्षी या पशु पाला जाए। पक्षियों को जब ये पता चला कि राजकुमारी को मन बहलाने के लिए कोई पक्षी चाहिए, तो वे एक एक करके राजा के महल में पहुंचने लगे। सबसे पहले मोर आया। राजा जी तुम्हें प्रणाम। मैं हूँ पक्षी, मोर है नाम। सुंदर नाच दिखाऊंगा, बेटी का मन बहलाऊंगा। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, क्या ये मोर पसंद है तुम्हें? बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे मोर पसंद नहीं है। मोर वहां से चला गया। अगले दिन एक खरगोश दरबार में आया और बोला, राजा जी तुम्हें प्रणाम। छोटा हूँ मैं, खरगोश है नाम। उछल कूद दिखलाऊंगा, बेटी का मन बहलाऊंगा। राजकुमारी ने उसको भी मना कर दिया। अब बच्चों, इसी तरह कुत्ता, कोयल, हिरन एक एक करके आए, पर राजकुमारी ने किसी को भी नहीं रखा। अंत में तोता आया और बोला, राजा जी तुम्हें प्रणाम। मैं हूँ पक्षी, तोता है नाम। मीठे फल में लाऊंगा, बेटी का मन बहलाऊंगा। राजकुमारी को तोते की बोली, हरा रंग और लाल चोंच बहुत पसंद आए। उसने तोते को अपने महल में रख लिया। दिन भर राजकुमारी तोते के साथ खेलती और खूब खुश रहती। एक दिन जानते हो बच्चों क्या हुआ? तोते को कुछ फुंसियां निकल आई। राजा ने तोते को कई तरह की दवाइयां दी, लेकिन तोते की फुंसियां तो बढ़ती ही गई। अब सबको चिंता हो गई। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज अगर आपने तोते को महल से नहीं निकाला तो राजकुमारी को फुंसियां निकल आएंगी। तभी राजा ने तोते को महल से निकाल दिया। तोता बेचारा रोता रोता जंगल में आ गया और नीम के पेड़ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तोते को रोते हुए देखकर नीम के पेड़ ने उससे पूछा, हरियल तोते, क्या हुआ? अपना दुख तू मुझे बता, बैठ डाल पर क्यों तू रोता? तेरे हाल पर मुझे दुख होता। तोते ने जवाब दिया, राजा की राज दुलारी ने पाला था राजकुमारी ने। मुझसे करती थी वो प्यार, बदन खुलती निकली चार। दोथी काली दोथी लाल, महल से मुझको दिया निकाल।
नीम के पेड़ ने जब ये सुना तो बड़े जोर से हंसा और बोला, अरे बस इतनी सी बात? थोड़ी सी तोड़ ले मेरी छाल, पत्ती मेरी पानी में उबाल, इस पानी से रोज नहा, फुंसी पे घिस के छाल लगा, ऐसा कुछ दिन करके देख, फुंसी नहीं रहेगी एक। बच्चों, तोते ने ऐसा ही किया, नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर उससे नहाया और फिर नीम की छाल घिसकर फुंसियों पर लगा ली। कुछ दिन तक उसने ऐसा ही किया तो उसकी फुंसियां बिल्कुल ठीक हो गईं। वो बड़ा खुश हुआ। तभी बच्चों, तोते ने देखा एक गिलहरी उसकी तरफ भागी हुई आ रही है। गिलहरी तोते के पास आकर रुक गई और बोली, राजमहल से आई हूँ मैं, एक संदेशा लाई हूँ मैं। राजकुमारी पड़ी बीमार, उसको चढ़ा तेज बुखार, चल तू मेरे साथ अभी, राजकुमारी बुला रही। बच्चों, तोते ने जब राजकुमारी के बीमार होने की खबर सुनी तो उदास हो गया। उसे उदास देखकर नीम का पेड़ बोला, मत उदास हो मेरे भाई, ले जा मेरी एक दवाई, थोड़ी सी मेरी पत्ती तोड़, झट पानी में उन्हें निचोड़, दिन में पिलाना चार बार, हो जाएगा ठीक बुखार। बच्चों, तोते ने ऐसा ही किया। उसने नीम की थोड़ी सी पत्तियां तोड़ ली और गिलहरी के साथ चल दिया महल में। तोता जब राजमहल में पहुंचा तो बेचारी राजकुमारी को बहुत तेज बुखार था। तोते ने नीम की पत्तियों का रस राजकुमारी को पिलाया। थोड़ी देर के बाद राजकुमारी ने आंखें खोल दी। 2-3 दिन तक तोते ने नीम की पत्तियों का रस राजकुमारी को पिलाया और बच्चों, राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। राजा ने तोते से प्यार से कहा, अरे तोते, तू तो बड़ा डॉक्टर निकला। डॉक्टर मैं नहीं हूँ, डॉक्टर तो नीम का पेड़ है। मेरी फुंसियाँ और राजकुमारी का बुखार उसी ने ठीक किया है। भाई तोते, मुझे अपने डॉक्टर नीम के पेड़ से मिलवाओ। चलिए मेरे साथ, अभी मिलवाता हूँ नीम के पेड़ से। बच्चों, तोता राजा को नीम के पेड़ के पास ले गया। वहाँ पहुंचकर उन दोनों में क्या बात हुई, लो सुनो। कहिए महाराज, राजकुमारी का बुखार ठीक हो गया ना? हाँ नीम के वृक्ष, बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे तुम अपने कुछ फायदे और बताओ जिससे सारी जनता उसका फायदा उठा सके। मैं तुम्हारे बारे में और भी कुछ जानना चाहता हूँ। राजन, मेरी ये कटावदार पत्तियां देख रहे हो ना, ये हैं तो कड़वी पर इनमें गुण बहुत हैं। मेरी पत्तियों को उबाल कर नहाने से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाते हैं। अच्छा? मेरी पत्तियां अनाज में कीड़े नहीं लगने देती। वो कैसे? अरे, मेरी पत्तियों को सुखाकर अनाज में डाल दो तो कीड़े नहीं आते, अनाज सुरक्षित रहता है। एक अचंभे की बात और बताऊं। वो क्या? वो ये कि मेरी सूखी पत्तियों को जलाकर धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं। अच्छा? और मेरी टहनी, उससे तो लोग दातुन करते हैं। तुम्हारी दातुन करने से क्या फायदा होता है? फायदा? मेरी टहनी की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगता।
मेरी छाल को घिसकर फुंसियों पर लगाने से फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। तुम्हारे इस फल का क्या नाम है? मेरे इस फल का नाम है निबौरी। निबौरी, जानते हो इससे क्या फायदा होता है? निबौरी खाने से पेट की बीमारी ठीक हो जाती है। अरे तुम तो बहुत फायदेमंद हो, ये तो मुझे आज पता चला। हाँ, तभी तो चैत के महीने में संवत्सर के दिन लोग मेरी पत्तियों को मिश्री के साथ भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं और उसे खाते हैं। भाई वाह। अच्छा अब मैं चलता हूँ और अपने महल के बगीचे में नीम के पेड़ लगवाता हूँ। ये श्रृंखला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत की गई।